नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईपीएल 2021 अभी अभी खत्म हुआ है तो उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और उससे जो भी हमारे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, उन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और साथ ही साथ आपके कॉमेंट सेक्शन में भी पिंड है। तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं @AmanTrivedi, वहां से भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम का लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो और वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @AmanTrivedi, II एंड में होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, आईपीएल 2021 आईपीएल का कौन सा संस्करण था? आईपीएल 2021 इज विच एडिशन ऑफ आईपीएल, यानी कि आईपीएल का ये कौन सा संस्करण था, 11th, 12th, 13th या फिर 14th? तो इसका जवाब है आपका आईपीएल जो 2021 था, ये आईपीएल का 14th संस्करण था, यानी कि 14th आईपीएल ये कंडक्ट किया जा रहा था। इसके अलावा आईपीएल 2021 में कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था? तो आईपीएल 2021 में 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, नेमली सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी, के किंग्स 11 और सुपर किंग्स, और इसके अलावा मुंबई इंडियंस। ठीक है, तो ये टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था आईपीएल 2021 में, और अगली बार से 10 टीमें भाग लेंगी। आईपीएल 2020 से टोटल 10 टीम्स भाग लेंगी, इसमें ऑप्शंस में नहीं है, टोटल 10 टीम्स भाग लेंगी, क्योंकि बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है कि आईपीएल 2022 में दो नई टीम्स ऐड की जाएंगी और 10 टीम्स जो हैं भाग लेंगी। आईपीएल 2022 से आईपीएल में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। ठीक है, अब इसके अलावा ये फैक्ट आप सभी लोगों को पता होगा, विच टीम वन द आईपीएल टाइटल फॉर 2021, आईपीएल 2021 किसने जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है, मुंबई इंडियंस ने नहीं जीता है। आंसर है आपका चेन्नई सुपर किंग्स, और इसके रनर अप रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, ये जो आईपीएल का लेग था दो हिस्सों में खेला गया, एक हमारा मार्च अप्रैल में खेला गया था, उसके अलावा क्योंकि कोविड की वजह से आईपीएल के वेन्यू को दुबई शिफ्ट करना पड़ा, तो आधा इंडिया में हुआ है और आधा दुबई में हुआ है। तो इसका जो सेकेंड लेग था वो दुबई में सितंबर 15 से खेला गया है। आईपीएल 2021 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन है फाफ डुप्लेसिस, शिखर धवन, केएल राहुल या फिर ऋतुराज गायकवाड़। तो आंसर है इसका ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ ने ऑरेंज कैप का खिताब जीता है। आईपीएल में ऑरेंज कैप उसे मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने सबसे अधिक रन बना के इस खिताब को जीता है। पर्पल कैप का खिताब किसे मिला है आईपीएल 2021 में? तो पर्पल कैप का खिताब मिला है हर्षल पटेल को। हर्षल पटेल ने सबसे अधिक विकेट लेकर पर्पल कैप का खिताब जीता है। ठीक है, अब हम सारे फैक्ट्स को एक एक करके जान लेते हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है आईपीएल 2021 के लिए? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो उसका जवाब है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और ये सीएसके के लिए खेलते हैं। इसके अलावा मोस्ट अपस्टॉक्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ आईपीएल 2021 का अवार्ड हर्षल पटेल को मिला है, इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर माना गया है। इसके अलावा पावर प्लेयर ऑफ द ईयर, पावर प्लेयर ऑफ द ईयर आईपीएल 2021 का खिताब किसने जीता है? तो पावर प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड खिताब जीता है वेंकटेश अय्यर ने, और ये केकेआर के लिए खेलते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। तो पावर प्लेयर ऑफ द आईपीएल 2021 वेंकटेश अय्यर को मिला है। मैक्सिमम सिक्सेस, सबसे अधिक सिक्सेस किसने हिट किए हैं आईपीएल 2021 में? तो उसका जवाब है केएल राहुल। केएल राहुल ने मैक्सिमम सिक्सेस लगाए हैं, सबसे अधिक छक्के लगाए हैं केएल राहुल ने आईपीएल 2021 में। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द ईयर, सुपर स्ट्राइकर ऑफ आईपीएल 2021 का खिताब किसे मिला है? तो सुपर स्ट्राइकर ऑफ आईपीएल 2021 का खिताब मिला है सिमरन हेटमायर को। सिमरन हेटमायर को आईपीएल 2021 का सुपर स्ट्राइकर ऑफ द ईयर माना गया है। कैच ऑफ द सीजन, आईपीएल 2021 का कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है रवि बिश्नोई को, सुनील नरीन के कैच पकड़ने के लिए अहमदाबाद में विद फुल लेंथ डाइव एट द डीप मिड विकेट, यही कैच था वो जिसकी वजह से इन्हें कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड भी मिला है आपके रवि बिश्नोई को। अगला है फेयर प्ले अवार्ड 2021 का किसे मिला है? तो फेयर प्ले अवार्ड मिला है 2021 में राजस्थान रॉयल्स को, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने फेयर प्ले अवार्ड जीता है। अगला सवाल, अब यहां पर हम देख लेते हैं इन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे अधिक रन आईपीएल 2021 में किसने बनाए? तो सबसे नंबर वन पे है ऋतुराज गायकवाड़, इन्होंने 635 रन बनाए। फॉफ डुप्लेसिस इनसे सिर्फ दो रन पीछे रह गए, 633 रन बनाए इन्होंने, और इनका हाईएस्ट रन था, स्कोर था 101, फॉफ डुप्लेसिस का 95। इसके अलावा तीसरे नंबर पे थे केएल राहुल, जिन्होंने 626 बनाए। चौथे नंबर पे शिखर धवन 587 के साथ, और ग्लेन मैक्सवेल 513 के साथ फिफ्थ नंबर पे थे।
इसके अलावा सबसे एक ओवर में सबसे अधिक रन किसने बनाए, तो एक ओवर में रविंद्र जडेजा ने 36 रन बनाए हैं सबसे ज्यादा, और पैट कमिंस ने 30, इसके बाद पृथ्वी शॉ, उसके बाद महिपाल लॉटमोर एंड ग्लेन मैक्सवेल। सबसे अधिक फोर्स, मोस्ट फोर्स इन आईपीएल 2021, सबसे अधिक चौके किसने लगाए हैं, तो मोस्ट फोर्स लगाए हैं ऋतुराज गायकवाड़ ने, और टोटल जो है इन्होंने नंबर दो पे खेलते हैं और इन्होंने सबसे अधिक फोर्स लगाए हैं। नंबर टू पे हैं शिखर धवन, नंबर थ्री पे हैं फॉफ डुप्लेसिस, पृथ्वी शॉ आपके नहीं है उससे फोर्थ नंबर पे हैं, फिफ्थ नंबर पे हैं शुभमन गिल। इसके अलावा अगर बात करें मोस्ट सिक्सेस ऑफ द आईपीएल 2021, मोस्ट सिक्सेस ऑफ द आईपीएल 21 किसने लगाए हैं, तो नंबर वन पे हैं केएल राहुल, नंबर टू पे हैं फॉफ डुप्लेसिस, इसके अलावा नंबर थ्री पे हैं ऋतुराज गायकवाड़, नंबर फोर पे हैं ग्लेन मैक्सवेल और नंबर फाइव पे हैं मोइन अली। मोस्ट फिफ्टीज की बात करें तो सबसे आईपीएल 2021 में सबसे अधिक फिफ्टीज लगाई हैं फॉफ डुप्लेसिस ने, सेकंड नंबर पे हैं केएल राहुल, थर्ड नंबर पे हैं ग्लेन मैक्सवेल, फोर्थ नंबर पे हैं ऋतुराज गायकवाड़ एंड फिफ्थ नंबर पे हैं पृथ्वी शॉ। और अगर आईपीएल 2021 की बात करें मोस्ट सेंचुरी, सबसे अधिक सेंचुरीज किसने लगाई हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने एक सेंचुरी लगाई है, संजू सैमसन ने भी एक, देवदत्त पडिक्कल ने एक, जॉस बटलर ने एक। आईपीएल 2021 में सबसे अधिक स्कोर किसका रहा है, तो जॉस बटलर ने हाईएस्ट स्कोर बनाया था, संजू सैमसन नंबर टू पे हैं, थर्ड नंबर पे ऋतुराज गायकवाड़, फोर्थ पे देवदत्त पडिक्कल एंड फिफ्थ पे मयंक अग्रवाल है। ठीक है, इनका हाईएस्ट स्कोर था 124, इनका हाईएस्ट था 119, इनका 101, देवदत्त पडिक्कल का भी 101 एंड मयंक का 99। इसके अलावा बेस्ट स्ट्राइकर, हमने सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन देखा था, शिमरन हेटमायर का नाम था और इनका इन्होंने सबसे ज्यादा, इनका स्ट्राइक रेट सबसे अधिक था, नंबर टू पे पैट कमिंस हैं। इसके अलावा बेस्ट बैटिंग एवरेज है रविंद्र जडेजा का 75.66 का, केएल राहुल सेकंड नंबर पे हैं 62.60 के साथ में, और सौरभ तिवारी थर्ड नंबर पे, क्रिस लिन 49 का एवरेज है एंड मनीष पांडे का 48 का एवरेज है। बिगेस्ट सिक्स, सबसे लंबा छक्का किसने मारा है, तो सबसे लंबा छक्का मारा है ऋतुराज गायकवाड़ ने 108 मीटर का, किरण पोलार्ड ने 105, ईशान किशन 104, ऋतुराज गायकवाड़ 103 एंड किरण पोलार्ड का 103। मोस्ट विकेट, सबसे अधिक विकेट्स आईपीएल 2021 में किसने लिए हैं, तो हर्षल पटेल ने सबसे अधिक विकेट्स लिए हैं, 32 विकेट्स लिए हैं। नंबर टू पे हैं आवेश खान 24 विकेट्स के साथ में, नंबर थ्री पर हैं 21 विकेट्स के साथ जसप्रीत बुमराह, नंबर फोर पे शार्दुल ठाकुर एंड मोहम्मद शमी हैं नंबर फाइव पर। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द ईयर की हमने बात करी थी, तो हर्षल पटेल मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड पे हैं, सेकंड नंबर पर रविंद्र जडेजा, थर्ड पे फॉफ डुप्लेसिस, फोर्थ पे ऋतुराज गायकवाड़ एंड फिफ्थ पे केएल राहुल। अगर बात करें आईपीएल के सभी सीजन्स में, ओवरऑल आज तक के सभी सीजन्स में सबसे अधिक रन किसके हैं, तो विराट कोहली के रन्स हैं, 6283 रन्स हैं विराट कोहली के, मोस्ट रन्स इन आईपीएल ऑल सीजन, सभी सीजन्स को मिला के विराट कोहली के रन सबसे ज्यादा हैं। मोस्ट सिक्सेस इन आईपीएल 2000 ओवरऑल सीजन्स की बात करें, तो अगर ओवरऑल सीजन्स की बात करें तो सबसे अधिक छक्के मारे हैं क्रिस गेल ने, 357 सिक्सेस मार चुके हैं वो, 357 छक्के अभी तक आईपीएल में मार चुके हैं। अगर हम बात करें हाईएस्ट स्कोर की, कि आईपीएल के सभी सीजन्स को मिला के हाईएस्ट स्कोर किसने किया है, तो नंबर वन पे हैं आपके क्रिस गेल, इन्होंने 175 बनाए थे अगेंस्ट पुणे वॉरियर्स के खिलाफ इन्होंने बनाए थे 175 रन। इसके अलावा बेस्ट स्ट्राइक रेट आईपीएल में सभी सीजन्स में अभी तक का सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट किसका है, तो नाम है आंद्रे रसल और इनका स्ट्राइक रेट है 178.57 का। अगर हम ओवरऑल सारे सीजन्स की बात करें तो मोस्ट फोर्स किसने लगाए हैं, सबसे ज्यादा चौके किसने मारे हैं, तो नंबर वन पे हैं शिखर धवन और इन्होंने 654 चौके लगाए हैं, नंबर टू पे विराट कोहली हैं और इनसे करीब सौ चौके पीछे हैं, तो नंबर सबसे ज्यादा चौके मारे हैं शिखर धवन ने सारे सीजन्स की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें आईपीएल के सभी सीजन्स की, तो मोस्ट 50s किसकी हैं, तो मोस्ट 50s हैं डेविड वार्नर की, इन्होंने 50 हाफ सेंचुरी मारी हैं और नंबर टू पे हैं शिखर धवन, इन्होंने 44 हाफ सेंचुरीज मारी हैं। आईपीएल के सभी सीजन्स की अगर हम बात करते हैं मोस्ट सेंचुरीज किसकी हैं, सबसे अधिक शतक किसने लगाए हैं, तो नाम है क्रिस गेल, इन्होंने 6 शतक लगाए हैं और नंबर टू पे हैं विराट कोहली, इन्होंने 5 शतक लगाए हैं। सबसे फास्टेस्ट 50, सबसे तेज 50 किसने मारी है आईपीएल के सभी सीजन्स को मिला के बात करें, तो केएल राहुल ने मारी है 14 बॉल्स पे और नंबर दो पे हैं यूसुफ पठान, इन्होंने 15 बॉल्स पे 50 मारी थी। 100 अगर हम बात करें कि फास्टेस्ट 100 इन आईपीएल, सबसे तेजी से 100 किसने शतक किसने लगाया है, तो जवाब है क्रिस गेल, इन्होंने 30 बॉल खेल के 17 छक्के और 13 चौके मार के सेंचुरी लगाई थी 30 गेंदों पे, और नंबर टू पे हैं यूसुफ पठान, इन्होंने 37 गेंदों पे सेंचुरी लगाई थी। अगर हम बात करें आईपीएल के सभी सीजन्स की सबसे बढ़िया एवरेज किसका है सभी सीजन्स का, तो एवरेज है 47.43 का केएल राहुल का,
और सेकंड नंबर पे हैं ऋतुराज गायकवाड़, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हैं, करीब 95 मैचेस खेले और इन्होंने अभी सिर्फ 22 मैचेस खेले हैं। और चूंकि अभी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी तो मिला है इन्हें, 46.61 का एवरेज है ऋतुराज गायकवाड़ का। बेस्ट स्ट्राइक रेट इन आईपीएल, आईपीएल के सभी सीजन्स में बेस्ट स्ट्राइक रेट है आंद्रे रसल का 178.57, हम देख चुके थे। नंबर टू पे हैं सुनील नरेन 161.69। आईपीएल के सभी सीजन्स की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट्स किसने लिए हैं, तो सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं लसित मलिंगा ने, 170 विकेट्स आईपीएल के अभी सारे सीजन्स में ये ले चुके हैं। मोस्ट बेस्ट बॉलिंग एवरेज, अभी तक का बेस्ट बॉलिंग एवरेज किसका है, तो वो है लुंगी नगीडी का, इन्होंने 17.92 का बॉलिंग एवरेज सभी सीजन्स में है। बेस्ट इकॉनमी, इकॉनमी किसका है बेस्ट आईपीएल के सभी सीजन्स में, तो नाम है राशिद खान, इनका बेस्ट इकॉनमी है 6.33 का। सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स किसने दिए हैं आईपीएल में, तो उसमें नाम आता है हरभजन सिंह का, इन्होंने 1268 डॉट बॉल्स दी हैं। मोस्ट हैट्रिक्स, आईपीएल में सबसे ज्यादा हैट्रिक्स किसने लिए हैं, तो नाम है अमित मिश्रा, इन्होंने 3 हैट्रिक्स लिए हैं और युवराज सिंह नंबर ने 2 हैट्रिक्स ली हुई हैं। सबसे ज्यादा मेड इन ओवर किसने डाले हैं आईपीएल में, तो 14 मेड इन ओवर डाले हैं प्रवीण कुमार ने, तो इनका नाम इसमें टॉप पर आता है। इसके अलावा मोस्ट फोर विकेट्स, सबसे ज्यादा 4 बार 4 विकेट्स किसने लिए हैं, तो सुनील नरीन ऐसा 7 बार कर चुके हैं जब इन्होंने 4 विकेट लिए हैं किसी भी मैच में। पहला आईपीएल टाइटल किसे मिला था, तो पहला आईपीएल टाइटल 2008 में हुआ था और ये मिला था शेन वॉन को, शेन वॉन कैप्टन थे राजस्थान रॉयल्स के, तो राजस्थान रॉयल्स ने पहला आईपीएल टाइटल जीता था। सबसे अधिक आईपीएल टाइटल्स किसने जीते हैं, तो नाम टीम का नाम है मुंबई इंडियंस, जिसके कप्तान है रोहित शर्मा, और एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा आईपीएल टाइटल जीतने वाले कप्तान भी रोहित शर्मा हैं, इन्होंने 5 बार आईपीएल टाइटल्स जीते हैं। अगर हम ईयर वाइज बात करें तो सारे आईपीएल टाइटल्स देख लेते हैं। 2021 का आईपीएल टाइटल जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने, कैप्टन है एमएस धोनी, और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीता है। 2020 में मुंबई इंडियंस ने जीता था, रोहित शर्मा कैप्टन थे और ये दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट। 2019 में रोहित शर्मा ने ही के कैप्टन थे और मुंबई इंडियंस ने जीता था अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स। 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। 2017 में मुंबई इंडियंस अगेंस्ट राइजिंग पुणे सुपर जाइंट, और 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता था अगेंस्ट आरसीबी। 2015 में मुंबई इंडियंस ने जीता अगेंस्ट सीएसके। 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता अगेंस्ट किंग्स इलेवन पंजाब। 2013 में मुंबई इंडियंस ने जीता अगेंस्ट सीएसके। 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता अगेंस्ट सीएसके और कैप्टन थे गौतम गंभीर। 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता अगेंस्ट आरसीबी। 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। इसके अलावा 2009 की बात करें तो 2009 में डेक्कन चार्जर्स एक टीम थी है जिसका जो बाद में सनराइजर्स हैदराबाद बनी। डेक्कन चार्जर्स के कैप्टन थे एडम गिलक्रिस्ट, इन्होंने आरसीबी को हरा के 2009 में आईपीएल टाइटल जीता था। और 2008 में शेन वॉन यानी कि जो कप्तान थे राजस्थान रॉयल्स के, सीएसके को हरा के इन्होंने आईपीएल टाइटल जीता था। अगर हम पहले आईपीएल के फर्स्ट रिसिपिएंट्स की बात करें अवार्ड्स की, तो पहला मैन ऑफ द मैच फाइनल का मिला था यूसुफ पठान को। ऑरेंज कैप पहली मिली थी शॉन मार्स को किंग्स इलेवन पंजाब के लिए। पर्पल कैप मिली थी सोहेल तनवीर को राजस्थान रॉयल्स के लिए। इमर्जिंग प्लेयर उस समय मिला था जिसका नाम उस समय फ्यूचर स्टार ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट होता था, वो मिला था श्रीवत्स गोस्वामी को आरसीबी के लिए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो अर्निंग मोर पॉइंट्स इन द होल सीजन, ये मिला था शेन वॉटसन को। और फेयर प्ले अवार्ड मिला था उस समय चेन्नई सुपर किंग्स को 2008 में। प्राइज मनी की बात कर लेते हैं, आईपीएल में जो प्राइज मनी होती है वो है 20 करोड़ रुपए जो जीतता है। रनर अप को मिले हैं 12.50 करोड़ और मैन ऑफ द मैच फाफ डुप्लेसिस को मिला है 1 लाख रुपए। तो ये आपका, इसके अलावा जो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप धारक है उन्हें 10-10 लाख रुपए अवार्ड मिला है। और अगर स्पॉन्सरशिप की बात करें तो 2021 का जो आईपीएल का स्पॉन्सर थी वो थी वीवो, और 2020 का जो स्पॉन्सर था वो था ड्रीम इलेवन, और इसके अलावा क्रेड अन अकेडमी और बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी थे। सो, इस वीडियो में मैंने आईपीएल से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में, सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है। आईपीएल एक बार आपका ये बात 2009 की बात है जब उस देश में उसमें चुनाव थे, डेक्कन चार्जर्स वाला जो मैच था ये साउथ अफ्रीका में खेला गया था, तो उस समय आईपीएल जो है वो साउथ अफ्रीका में खेला गया था और बाकी 2 साल से हमारा यूएई में खेला जा रहा है, बाकी टाइम इंडिया में ही हुआ है आईपीएल आपका। अगर कोई फैक्ट आपको लगता है जो छूट गया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो जो बाकी लोग वीडियो देखेंगे वो कमेंट्स देखकर उसको रिवाइज कर सकते हैं।
अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट सेक्शन में भी दे दिया है, आप वहां से पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं, मैं पीडीएफ वहां पे शेयर कर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और थोड़ा सा इसे शेयर कीजिए जिससे कि बाकी लोग भी इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।